इंडिया फाउंडेशन नवी दिल्ली आयोजित भाषण स्पर्धा व विवेकानंद बनव या स्पर्धेत घवघवीत यश मिळवले. सार्वजनिक मराठी हायस्कूल व ज्युनियर कॉलेज नवापूर येथील बालवक्ता कुशलकुमार नितीनकुमार माळी वाघळीकर यांनी भाषण स्पर्धेत भारतातून प्रथम क्रमांक तसेच विवेकानंद बनव या स्पर्धेत भारतातून द्वितीय क्रमांक मिळवून महाराष्ट्राच्या शिरपेचात एक नवीन तुरा रोवलाय. भाषण स्पर्धेचा विषय स्वामी विवेकानंद इनकी कहाणिया असा होता. विवेकानंद बनव या स्पर्धेत इंग्रजी आणि हिंदी माध्यमातून सादरीकरण करायचं होतं. मराठी माध्यमाच्या शाळेत इयत्ता 5वीत शिकणारा कुशलकुमार माळी यांनी हिंदी भाषेतून सादरीकरण केलं असून संपूर्ण भारतातून भाषा स्पर्धेत प्रथम आणि विवेकानंद बनव या स्पर्धेत द्वितीय क्रमांक आल्याने सोशल मीडियाच्या माध्यमातून प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे सर्व संघटनांचे पदाधिकारी यांच्या माध्यमातून संपूर्ण महाराष्ट्रातून कुशलचं कौतुक केलं जात आहे. नमस्कार, मी कुशलकुमार नितीनकुमार माळी वाघळीकर. मी आपके सामने स्वामी विवेकानंद की भूमिका में बोल रहा हूं. मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है SFAS 0172. हमें स्वयं कल्याण और विश्व कल्याण करना है तो हमें खुद पर विश्वास करना चाहिए और खुद पर विश्वास करते करते हमें ज्ञान, भक्ति, वैराग्य और विवेक इस चतुर्सूत्री का वापर हमने किया तो हम आत्मसंयम, इंद्रिय निग्रह और मन की एकाग्रता इन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं. उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक हमारा लक्ष्य पूर्ण नहीं हो जाता. धन्यवाद. नमस्कार, सूर्या फाउंडेशन दिल्ली आयोजित राष्ट्रीय स्तर के भाषण स्पर्धा में मैं कुशल कुमार नितिन कुमार माळी वाघळीकर आपके सामने विषय प्रस्तुत करने जा रहा हूँ स्वामी विवेकानंद की जीवन की कहानियाँ. मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है SFAS 0172. आसमां को झुकाते हैं, बादलों को हटाते हैं. आसमां को झुकाते हैं, बादलों को हटाते हैं. वह हम नवयुवक हैं जो इतिहास बनाते हैं. ऐसा ही इतिहास अपने भारत में ही नहीं तो संपूर्ण विश्व में बनाने वाले स्वामी विवेकानंद जी. स्वामी विवेकानंद अर्थात बचपन के नरेंद्रनाथ विश्वनाथ दत्त. उनका जन्म बहुत ही धार्मिक और दानशून कुटुंब में हुआ था. गली में कोई भी भिखारी देखा कि वो अपने हाथ की कोई भी वस्तु उसे दे देते थे, इसलिए उन्हें बचपन में बंदिश किया जाता था. आगे चलकर उन्होंने बीए फिलोसॉफी के लिए कलकत्ता के विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया और फिर उनका संपर्क वहाँ ब्रह्मो समाज के कुछ अनुयायी से हुआ. ब्रह्मो समाज के तत्वज्ञान में ईश्वर का अस्तित्व मान्य नहीं होता है. दोस्तों, इतना ही नहीं, कलकत्ता में बहुत सारे महात्मा प्रवचन देने आते थे और तभी प्रवचन खत्म होने के बाद नरेंद्र उन्हें जाकर पूछता था कि आपने ईश्वर देखा है, आपको ईश्वर की अनुभूति है, और तभी इसका उत्तर उन्हें ना मिलने के कारण वो निराश होकर घर लौटते थे. एक दिन उनके प्रिंसिपल इन्होंने उन्हें अवतारवाद पर अच्छा सा व्याख्यान दिया और व्याख्यान खत्म होने के बाद नरेंद्र ने उन्हें जाकर वही प्रश्न पूछा कि आपको ईश्वर की अनुभूति है, आपने ईश्वर को देखा है, और तभी इसका उत्तर उन्हें मिला कि नहीं, मैंने तो ईश्वर को नहीं देखा, पर दक्षिणेश्वर के काली माता के मंदिर में एक रामकृष्ण परमहंस नामक एक साधु आया है, वहाँ पे तुम्हें इसका उत्तर मिल सकता है. और फिर उन्होंने रामकृष्ण परमहंस इनको जाकर पूछा कि आपको ईश्वर की अनुभूति है, आपने ईश्वर को देखा है, और तभी वो बोले कि हाँ, मैंने ईश्वर को देखा है और मैं तुम्हें भी दिखाऊंगा. एक दिन प्रभु श्री रामकृष्ण परमहंस इन्होंने अपने दाहिने पैर का अंगूठा उठाकर नरेंद्र के सीने पर लगाया और उनकी सारी संवेदना चली गई और वो निर्विकल्प समाधि में चले गए. थोड़ी देर बाद उन्हें रामकृष्ण परमहंस इन्होंने उनके मस्तिष्क पर हाथ लगाकर उन्हें जागृत किया और अनुभव पूछा और वो बोले कि मुझे यही अवस्था में सारी जिंदगी भर रहना है. एक दिन ऐसा हुआ कि वो घर का पालन पोषण नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उन्होंने खुदकुशी करने का निर्णय लिया और ये निर्णय उन्होंने स्वामी रामकृष्ण परमहंस इनको बताया और वो बोले कि अरे, तुझे जो मांगना है वो काली माता के पास मांग ले. और फिर वो काली माता के पास उन्होंने ज्ञान, भक्ति, वैराग्य और विवेक मांगा, पर वो खुद के लिए नौकरी मांगना ही भूल गए. और फिर वो बाहर आए और रामकृष्ण परमहंस इन्होंने हंस कर बताया कि अरे, तू अपने खुद के स्वार्थ के लिए कुछ नहीं मांग सकता क्योंकि तेरा जन्म खुद के लिए नहीं हुआ है, खुद का उद्धार करने के लिए भी नहीं हुआ है.
विश्व का उद्धार करने के लिए तेरा जन्म हुआ है। एक दिन उन्हें शिकागो जाने का अवसर मिला और वो शिकागो की धर्म परिषद में भी उन्होंने एक ही वाक्य में सारे विद्वानों को प्रेरित कर दिया और वो वाक्य था, माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। इसी अपने भारतीय संस्कृति की पहचान पूरे विश्व में कर देने वाले स्वामी विवेकानंद जी। धन्यवाद। वृत्त संकलन विभाग, MDTV न्यूज, नंदुरबार।